हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। अपना चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरी कंसर्न, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 करेंगे। हालांकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 और 4 आपने देखा रहेगा, तो 5 देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहूँगा अगर आपने 3 और 4 नहीं देखा रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, 3 और 4 कीजिए, 5 फिर ऑटोमेटिकली ट्राई कीजिए। डेफिनेटली वेरी वेरी सिंपल सा हमें आपको पेज नंबर 322 पे दिया गया है। बस खाली याद इतना ही रखना, एक स्टार अगर जहाँ पर मैं स्टार करूँ, जो भी एडजस्टमेंट वगैरह रहेगा वहाँ पर स्टार करूँ, एक स्टार रहेगा तो 3 लाइन छोड़ना है, 2 स्टार रहेगा तो 5 लाइन छोड़ना। अगर सपोज कभी बाई चांस 3 स्टार आ गए तो आपकी मर्जी, आप 7 से 8 लाइन क्या कर सको छोड़ सकते हो। तो डोंट वरी, वेरी वेरी सिंपल सा हमें। तो चलो फ्रेंड, मैं बुक में जाके सम सॉल्व करता हूँ तो और क्लियरली और अच्छे से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है, अब्दुल ट्रेडर। तो इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाएगा, अब्दुल ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रायल एडजस्टमेंट हमें दिया गया है। डेबिट साइड का सारा चीज़ें कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और कहाँ जाएगा बैलेंस शीट की असेट साइड। सेम एज अ क्रेडिट साइड की सारी चीज़ें, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट कहां चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे चला, क्योंकि ये क्रेडिट है इसके लिए। सैलरी कहां चला जाएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो P&L लिख दूं, कहां चला जाएगा डेबिट साइड चला जाएगा। परचेज कहां चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट तो TD लिख दूं। देखो रेंट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ये ऑफिस रेंट रहता तो ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ये ऑफिस रेंट रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये फैक्ट्री रेंट रहता तो ट्रेडिंग, अगर खाली रेंट आए तो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चला जाएगा। और रेंट को क्या कर दूँ स्टार, क्यों ये 11 मंथ का दिया गया है मुझे, ऑलरेडी ये काफ़ी बार आ चुका है हिडन एडजस्टमेंट। मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। देखो एडवांस अगेंस्ट वेजिस, मतलब हमने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया, किसी भी चीज़ का एडवांस रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर मैं ए लिख दूँ, ए का मतलब क्या होगा, असेट साइड पे चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक आता है, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेज आता है। बी फॉर बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बी प्री पेड इंश्योरेंस, किसी भी चीज़ का तुमने पहले से ही पैसा पे कर दिया तो कहाँ चला जाएगा, असेट्स में चला जाएगा। वेजेस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तुम बोलोगे सर ये भी वेजेस आपने असेट साइड पे क्यों, देखो एडवांस, एडवांस मतलब हमने पहले से पैसा दे दिया तो असेट्स हुआ, खाली वेजिस आए तो ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम एज अ खाली इंश्योरेंस रहता तो मैं कहा लिखता प्रॉफिट, पर आगे क्या दिया है प्रीपेड, तो कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। लूज टूल्स कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। अभी देखो यहाँ पर क्या है, कमीशन रिसीवेबल मतलब मुझे पैसा मिलना बाकी है तो भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। तुम बोलोगे सर क्यों सर, कमीशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में, पर यहाँ पर क्या दिया है, कमीशन रिसीवेबल मतलब पैसा मुझे मिलना बाकी है। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। सन्ड्री डेटर कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, कैश असेट साइड, बैंक असेट साइड। ड्रॉइंग कहाँ चला जाएगा, लेस किस में से हो जाएगा, लेस कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर, आप सभी को पता है कैपिटल में से क्या होगा, लेस। या तो आपको अगर ड्रॉइंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट बना रहे तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। देखो फ्रेट इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर फ्रेट आउटवर्ड रहता तो कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनवर्ड का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में। बिल रिसीवेबल कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। देखो लोन टू अरुण मतलब हमने अरुण को लोन दिया है तो मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। बिल रिसीवेबल असेट, लोन टू अरुण कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पर चला जाएगा। आगे देखते, देखो इंटरेस्ट रिसीव मतलब पैसा मिला है तो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। कैपिटल कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सेल्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड चला जाएगा। देखो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये क्या दिया है मुझे, ओल्ड RDD दिया गया है। क्या दिया, ओल्ड RDD। ओल्ड RDD क्या होगा, लेस होगा। किस में से लेस हो जाएगा आपको, बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कहाँ गया, बैड डेब्ट्स को मैं क्या कर दूँ स्टार, मतलब बैड डेब्ट्स के फॉर्मूले में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, कमीशन रिसीव मतलब पैसा रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला। जैसे मैंने बताया CID, C फॉर कमीशन रिसीव, I फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, क्रेडिटर भी कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। क्लियर, मैं एक्सपेक्ट करूँगा। अब ये वेरी वेरी सिंपल है, अगर 3 और 4 किया रहेगा तो 5 आपको देखने की भी जरूरत नहीं, आप इजीली कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया, 89,600। क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे चला जाएगा। ऑलरेडी आपको ये सारा याद ही हो चुका रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी और वेजेस, तो जरा मैं सैलरी और वेजेस को क्या कर दूँ स्टार कर दूँ, तो पहले मुझे वेजेस यहाँ पर दिखा
और सैलरी दिखा, और सैलरी दोनों को क्या कर दो स्टार। आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ऐड हो जाएगा, किस में ऐड होगा, सैलरी और वेजिस में ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसा देना बाकी है तो कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की कहाँ चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तुम बोलोगे सर कैसे, तुम ही एक बात बताओ, तुमको किसी को पैसा देना बाकी है तो आपके लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। अभी क्या बोल रहे, चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी कितना बोल रहे, 10%। तो मशीनरी कहाँ गया, मशीनरी को भी मैं क्या कर दूँ यहाँ पर स्टार कर दूँ। स्टार कर दिया मतलब तीन लाइन क्या करना है, मुझे छोड़ना है, ये बात याद रखना, स्टार रहेगा तो क्या करना है, तीन लाइन मुझे छोड़ना है। आगे क्या बोल रहे, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ कितना बोल रहे, 2000, यानी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन कितना, 5% ऑन डेटर। आप सभी को पता है बैड डेब्ट्स ले लो RDD, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, लेस किस में से हो जाएगा, लेस फ्रॉम यहाँ पर सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, सन्ड्री डेटर में से क्या हो जाएगा, लेस। और सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड, किस में ऐड हो जाएगा, बैड डेब्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐड। बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला में क्या, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ये आपको रिटर्न ऑफ ये बैड डेब्ट्स दिया गया, ये देखो आप देखोगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउट, मतलब ये RDD आपको दिया गया। तुम बोलोगे सर ये तो प्रोविजन का है, प्रोविजन का ही मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो आर डाउटफुल डेब्ट मतलब इसको PDBDD नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते, RDD, क्योंकि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन ऑल्सो कॉल्ड क्या बोला जाता है, उसको रिजर्व बोला जाता है। तो ये भी मेरे लिए क्या है, RDD है। कितना परसेंट दिया गया है, 5% दिया गया। फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर और एड इन बैड डेब्ट्स में ऐड हो, तो मतलब सन्ड्री डेटर में से 2000 लेस होगा, उसका जो अमाउंट है उसमें से 5% भी क्या करना है, लेस करना है। तो सन्ड्री डेटर को मैं कितने स्टार कर दूँ यहाँ पर, मैं कहाँ गया, सन्ड्री डेटर ये रहा, सन्ड्री डेटर को कितने स्टार कर दूँ मैं, 2 स्टार क्या कर दूँ, कर दूँ। 2 स्टार क्यों किया, क्योंकि 2 बार क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा, क्लियर है। तो देखोगे सैलरी को 1 स्टार है, रेंट को स्टार है, मशीनरी को स्टार है, बैड डेब्ट्स को स्टार है, वेजेस को स्टार है, सन्ड्री डेटर को 2 स्टार है बस। और ये जो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये ओल्ड RDD दिया है, क्योंकि बैड डेब्ट्स में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो मैंने अच्छे से सारा फॉर्मेट बना दिया, क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया, इन द बुक्स ऑफ अब्दुल ट्रेडर आ जाएगा यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर देखोगे तो सेकंड पेज पे जो मेरा रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 हो जाएगा। और यहाँ पर देखोगे मैंने क्या बना दिया, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट, और आप देखोगे छोटा सा मैंने यहाँ पर कैपिटल, हालांकि ये नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको सारा चीज़ ट्रांसफ़र करना तो आता ही रहेगा, कैसे कैसे क्या ट्रांसफ़र करते। तो वेरी फर्स्ट आप सभी को पता है सैलरी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक लाइन ऊपर से छोड़ दो, 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरीज आ जाएगा। और अमाउंट कितना दिया गया, 10,000, तो यहाँ पर कितना, 10th स्टार रहेगा तो इनर में लिख के क्या करना है, मुझे 3 लाइन क्या करना है, छोड़ना। अगर स्टार नहीं रहेगा तो अमाउंट आउटर में जाएगा, कुछ लाइन छोड़ना नहीं है। सेम एज अ परचेस कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट कितना दिया गया है, 71,400। तो आप मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट में वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेस। तो एक लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखूँ यहाँ पर, मैं परचेस क्या करूँ, लिख दूँ अमाउंट कितना दिया गया है, 71,000। देखो परचेस को स्टार नहीं है तो वही अमाउंट मैंने क्या लिख दिया, आउटर साइड पर लिख दिया। रेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट कितना दिया गया, 2,200। तो देखो सैलरी को स्टार है, 3 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, रेंट, और ब्रैकेट में चाहिए तो लिख दूँ मैं कितने मंथ का दिया है, 11 मंथ का दिया गया, अमाउंट कितना है, 2,200 है। और स्टार है तो कितना लाइन छोड़ दूँ, 3 लाइन में क्या कर दूँ, छोड़ दूँ। मशीनरी कहाँ चला जाएगा, असेट्स में 56,000, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, मशीनरी। अभी आप सभी को पता है बैलेंस शीट में 2 बाय नहीं रहता, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56,000, और क्या करूँ, 3 लाइन क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, क्लियर है। अभी एडवांस अगेंस्ट वेजिस, ये भी कहाँ चला जाएगा, असेट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा एडवांस अगेंस्ट क्या आ जाएगा, ये वेजिस आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया, 4,000 मुझे दिया गया, तो 4,000 आउटर में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग, और देखो हमने एक लाइन छोड़ा ही यहाँ पर, तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया। उसके बाद आगे क्या दिया है, बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट कितना दिया गया है, 1,000 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बैड डेब्ट्स, अमाउंट कितना दिया गया है, 1,000। और बैड डेब्ट्स का सभी को फॉर्मूला पता रहेगा, बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाता है, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड क्या रहेगा, न्यू RDD, बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड क्या हो जाएगा,
न्यू आर डी डी, और आप चाहो तो एक लाइन यहाँ पर छोड़ दो, लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आर डी डी हो जाएगा। मतलब ये सारे का टोटल करके फिर आपको क्या करना है, इससे माइनस करना है। जैसा आप देखोगे मैंने अच्छे से लिख दिया। मैं चाहूँ का मैं आपके सामने ये रखता हूँ, फटाक से इसको एक काम करो, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आप भी लिखो, सेल्फ थोड़ा ट्राई करोगे तो और अच्छा रहेगा, हम साथ में मिलके एडजस्टमेंट करते हैं। जैसा आप देख सको ये सारा चीज़ मैंने अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। फ्रेड इनवर्ड को स्टार नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, सेम एज रेंट को तो ऑलरेडी बैड डेट्स का फॉर्मूला लिख दिया है। इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। सेम एज कैपिटल में से लेस क्या होता है, ड्रॉइंग क्या होता है, लेस होता है, क्लियर है। तो मैंने कैपिटल में से क्या कर दिया, ड्रॉइंग मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया अमाउंट इधर में। और तुम बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर कैपिटल को तो स्टार करा ही नहीं था। अरे समझने वाली बात है कि कैपिटल ऑलवेज क्या रहेगा, स्टार रहेगा, क्लियर है। बिल्स पेबल भी कहाँ चले, 9200, लाइबिलिटी और थोड़ा लाइन छोड़ना है क्योंकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होगा, एडलेस होगा। मशीनरी को स्टार है, सन्ड्री डेटर को जैसे मैंने बताया था 2 स्टार, तो कितना लाइन छोड़ना है, 5 लाइन क्या करना है, छोड़ना है। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 89600 दिया गया, और क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पर चला जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक वेरी फर्स्ट क्या लिख दो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अमाउंट कितना दिया गया है, 89600 रुपीज़ दिया गया है, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना दिया गया है, 89600 रुपीज़ दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी कितना है 2000 और वेजेस कितना है 400, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो वेरी फर्स्ट सैलरी में क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, ऐड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, 10,000 प्लस 2,000 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आउटर में 12,000 आएगा। सेम एज वेजिस में भी क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐड आउटस्टैंडिंग, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा वेजिस, तो यहाँ पर आ जाएगा वेजिस, अमाउंट कितना दिया गया है मुझे, आउटस्टैंडिंग 4,000 दिया गया है वेजिस का, तो 2,600 प्लस 4,000 करेंगे तो कितना आएगा, 6,600 मुझे क्या होगा, आउटर में आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा इसका, आउटस्टैंडिंग तो ऐड हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो बैलेंस शीट आपको लाइबिलिटी साइड पे लिख देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, पहला क्या था सैलरी, सैलरी का कितना दिया था, देखो आप यहाँ पर भी देख सकते हो 2000। अभी जो काफ़ी सारे बच्चे क्या सोचेंगे, जो अमाउंट यहाँ पर जो उसने 12 लिख दिया ना, तो यहाँ पर भी 12 लिख देते, जी नहीं, जितना अमाउंट हमने ऐड किया वही, और वेजिस कितना था 4000, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 6000। आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो अलग अलग तरीके, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, आउटस्टैंडिंग वेजेस 4000, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, क्लियर, आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है। अभी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना बोल रहे हैं, 10% बोला गया है, तो मशीनरी में से कितना लेस करना है, 10%, तो लेस यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, एट द रेट कितना दिया गया है, 10% पर एनम दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर 56,000, हालांकि पर एनम बुक में दिया नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप ये लिखो या ना लिखो एक ही बात है। यहाँ पर क्या आएगा, 10/100, काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों कर रहे हो, हमें पता है 5,600 ही आएगा, हालांकि एक फॉर्मेलिटी में क्रिएट कर रहा हूँ, क्या दिया था तो लिख दिया, क्योंकि 10% बोले तो एक जीरो क्या करने का, हटा देने का, अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 50,400 रुपीज़ मुझे आउटर में आंसर आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या आ जाएगा, ये मशीनरी आ जाएगा, क्लियर, मेरे लिए मशीनरी अमाउंट कितना आया था, 5,600 आया था, डेप्रिसिएशन मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो 5,600 आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप देखोगे सम के अंदर तो क्या बोल रहे हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2000 एज अ क्रिएट इन आरडीडी, पहले डेटर में से क्या लेस होता है, बैड डेट्स कितना दिया गया है 2000, तो 64 में से 2 क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, तो लेस यहां पर क्या आ जाएगा, बैड डेट्स अमाउंट कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, 64 में से 2 गया, कितना बचेगा, 62,000 बचेगा, और 2000 यहां पर क्या आ जाएगा, न्यू बैड डेट्स में आ जाएगा। अमाउंट कितना लिख दूँ मैं, 2000 रुपीज़ लिख दूँ, और यहां पर क्या आ जाएगा, लेस आर डी डी, आप आर डी डी एक द रेट कितना परसेंट बोला है, यहाँ पर 5% बोला गया है, तो 5/5
5%, तो यहाँ पर देखो 62,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रहेगा 5 अपॉन कितना रहेगा 100 रहेगा, 00 कट। अभी मुझे पता है इसका 10,000 निकालूगा तो आंसर कितना आएगा 6,200, तो इसका आधा कर दो ना 5%, तो कितना आएगा 3,100 रुपीज़ मुझे आंसर आ जाएगा। क्लियर है, मतलब 63 में से कितना माइनस करना है 3,100, तो आंसर कितना आ जाएगा 58,900 रुपीज़ आ जाएगा। और यही क्या रहेगा मेरे लिए न्यू RDD 3,100। अभी सबको ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 6,100 माइनस 2 करेंगे तो 4,100 मुझे क्या होगा आउटर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल ही समय में, तो एक्सपेक्ट करूंगा कि इस देखने की भी ज़रूरत नहीं थी आपको वीडियो, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने अच्छे से किया रहेगा, तो ये कुछ भी नहीं एकदम सिंपल ही समय क्वेश्चन नंबर 5। अभी आप सोचोगे सम हो गया, जी नहीं, एक एडजस्टमेंट बाकी, यहाँ पर देखो हिडन एडजस्टमेंट, रेंट कितने महीने का दिया है 11 महीने का, मतलब एक महीने का रेंट पे करना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एड आउटस्टैंडिंग, ये क्या है मेरे लिए रेंट है, और कितने महीने का बाकी है एक महीने का बाकी है। क्लियर, 1 मंथ का बाकी है। अभी सिंपल सा अगर आपको समझना रहेगा तो देखो एक महीने का रेंट बाकी है, हमें 12 महीने का रेंट दिया गया, यहाँ पर 12 मंथ का एक महीने का 12 मंथ का सॉरी यहाँ पर 11 महीने का मुझे रेंट दिया गया, 11 मंथ का रेंट कितना दिया गया 2,200 दिया गया, तो एक महीने का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 2,200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 11 टू जा, तो 200 रुपीज़ मुझे आएगा। क्लियर है, तो रेंट कितना मिलेगा मुझे 200 रुपीज़ आएगा, तो यहाँ पर 200 क्या कर दूँ ऐड कर दूँ तो कितना आ जाएगा 2,400 आउटर में आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर तुम बोलोगे उसके नीचे ही लिख दो ना, जी नहीं इसका अलग से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ आएगा। देखो माय डियर फ्रेंड यहाँ पर 200 ऐड किया तो वहाँ पर भी कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ ही आ जाएगा। क्लियर है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको समझ में आ गया रहेगा कैसे मैंने क्या किया। अभी बारी आई टैली की, तो टैली करते समय आपके हाथ में ऑलवेज क्या रहना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए। अगर आप इन दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1,74,600 आ जाएगा। सेम एज इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 99,000 आ जाएगा। अभी 1,74,000 ज़्यादा है कि 99, ऑफकोर्स कितना ज़्यादा है 1,00,000 ज़्यादा है। क्लियर है, 1,74,600 ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक काम करूँ मैं रेड पेन से आपके लिए लिख दूँ, आपको एग्ज़ाम में कोई भी एक ही पेन से लिखना है बेटा, तो 1,74,600 यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,74,600 माइनस कितना करना है 99, मुझे क्या करना है माइनस करना है, 99 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 75,600 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। क्लियर, इसको नाम क्या बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट क्या रहेगा कैरीड डाउन रहेगा, ऑलवेज फाइंड करते समय क्लियर। और ये देखो डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट में, मैंने बताया था क्रॉस में क्या हो जाएगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्लियर, मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको पता ही रहेगा, तो ये कहाँ आया था डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट साइड हो गया, यहाँ पर क्या लिख दूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना था 75,600 रुपीज़ है। अभी 75,600 प्लस 2,400 अगर मैं करूँगा तो मुझे आंसर आएगा 79,600 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। इसको तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 79,600। सेम अगर ये सारे को मैं ऐड करूँ, ये 1, 2, 3, 4 ही है, चारों को ऐड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 24,100 रुपीज़ मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, 79,600 ज़्यादा है कि 24, ऑफकोर्स 79 ज़्यादा है, तो एंड में कितना आ जाएगा यहाँ पर 79,000 आ जाएगा, यहाँ पर 79,600, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 79,600 माइनस कितना करना है 24,100, तो आंसर कितना आ जाएगा 55,500 अपना आंसर आएगा। और देखो अपना एक्सपेंस साइड कम है इनकम साइड ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं नेट प्रॉफिट क्या बोलते हैं इसको कैरीड डाउन रहेगा। क्लियर है, अगर यही कैरीड डाउन ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा ब्रॉड डाउन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऐड नेट प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन, तो ऐड क्या होगा नेट प्रॉफिट क्या रहेगा ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना आया 55,500 रुपीज़ आ गया मुझे, तो यहाँ पर भी लिख दूँ 55,500 रुपीज़ में आ गया। 5 प्लस 4 9 हो गया, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, 5 कितना होगा 10 हो जाएगा, तो ये 0 चला गया, और कितना 2,07,000 मेरे लिए 900 आंसर आया। प्लस कितना करना है 9,200 प्लस 56,000 प्लस 6,000 प्लस कितना करना है ये 200 मुझे क्या करना है ऐड करना है। क्लियर है, अगर ये सबको मैं अगर ऐड करूँगा तो फाइनली जो मेरा टोटल रहेगा मुझे आएगा
300 रुपीज़ आ जाएगा। सेम एज ए सारे का अगर टोटल करोगे तो भी आपको टोटल सेम ही आएगा, 279,300 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है? अगर काफ़ी सारे बच्चे ने कैपिटल अकाउंट बनाया रहेगा तो ये जो नेट प्रॉफिट का है डेबिट में तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन आएगा, अमाउंट कितना था 55,500 रुपीज़ था। क्लियर है? तो यहाँ पर भी इसका टोटल कर दो तो ये 500 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, कितना आया 215,500 आ गया। माइनस कितना करना है 7,600। तो आंसर आपको सेम ही आएगा, कितना आएगा 1 लाख ने कहाँ लिख दिया मैंने 207,900 आ गया। क्लियर? और इसको नाम क्या था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो ये क्या रहेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन रहेगा। क्लियर? आपकी मर्ज़ी, आपने नहीं बनाया रहेगा तो भी चलेगा, हालांकि ऐसे करो तो भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे कीजिए। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करो। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।